अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स उर्दू का चैप्टर वन की मश्क हल करेंगे। सवाल एक है, दर्ज ज़ैल मारूजी सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अलिफ है, हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा किस पर यकीन रखना चाहिए? अल्लाह पर रखना चाहिए। हमें उम्र किस चीज़ में नहीं खोनी चाहिए? सुस्ती में नहीं खोनी चाहिए। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो सभी नबी प्यारे हैं, मगर महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। खाली जगह भरकर शायर मुकम्मल कीजिए। वो खालिक है कुल आलम का, मालिक है जिन्न आदम का। वो चारा फरमा है गम का, वाकिफ है वो दमदम का। बुक से देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीम है, उसने पैदा हलकत की। ये सब आप जो है बहुत से देखकर फिल कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। लकीर खींचकर सही मिसरों को मिलान कीजिए और शेर मुकम्मल कीजिए। तो ये भी आप बहुत से देखकर मुकम्मल करना है आपको। बस यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन आप उसे देखकर कीजिए इसे बहुत से देखकर। चलिए सवाल आप देखते हैं। दर्ज ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सारी दुनिया को बनाने वाला कौन है? सारी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। इंसान के हर गम से कौन वाकिफ है? इंसान के हर गम से अल्लाह वाकिफ है। हमें हर दम किसका तालिब रहना चाहिए? हमें हर दम अल्लाह का तालिब रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का क्या करते रहना चाहिए? हमें हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, तस्बीह हम्द करते रहना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या मतलब है? नहीं है कोई महबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमाए तैयब है ये। चलिए आगे देखते हैं। तज़कीर व तानीस के लिहाज से भी इस्म की दो किस्में हैं। तज़कीर और तानीस का मतलब होता है मेल और फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हम जिसे कहते हैं हिंदी में। मुज़क्कर क्या होता है? वो लफ्ज है जिससे किसी शख्स या चीज का नर होना, मेल होना मालूम हो जाए, लड़का, उस्ताद, बेटा, तोता, तलबा वगैरह। और मुअन्नस क्या होता है? वो इसमें जिससे किसी चीज, शख्स या चीज का मादा होना मालूम हो जाए, लड़की, उस्तानी, बेटी, मीना, तालिबात वगैरह। आगे देखिए, दर्ज ज़ैल हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। बहुत आसान है, ये जो चार हरूफ या पांच हरूफ जितने भी हैं, यहाँ चार हैं सब जगह, इनको मिलाकर आपको एक लफ्ज बना देना है। जैसे वाहदाता वाहदत, खाला काता खलकत, तालिब, इस तरीके से आपको बनाना है। दर्ज ज़ैल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। शान लिखा हुआ है, इसको हम शान लिख सकते हैं। फरमा की जगह फरमा हो जाएगा। आलम में अलिफ लिखा हुआ है, उसकी जगह ऐन आ जाएगा। जाहिर में जे लिखा है, उसकी जगह वो आएगा, और तालिब में वो आएगा। अपने उस्ताद की मदद से उस हमद का मुख्तसर तरीन खुलासा लिखिए। ये खुलासा आप जो है लिखना है आपको, जो समझाया गया है कि पहले वाले वीडियो में, उसको सुनकर आप अपने मर्जी से यहाँ पर इसका खुलासा लिखिए, और अपने पेरेंट की मदद हेल्प ले लीजिए। खाली जगह में हमद में से याद किए गए चार अचार लिखिए। पूरी हमद याद कर लीजिए आप, और उसके कोई भी चार अचार यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरीके से आपको चैप्टर की एक्सरसाइज एंड होती है, इसको जल्दी सॉल्व करना है। पहले आपको बुक में सॉल्व करना है, फिर सेम उसको नोटबुक में भी सॉल्व करना है, फिर उसकी फोटो सेंड करना है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।